दोस्तों ये तस्वीर है मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल सजिटेरियस ए स्टार की, एंड इट इज वेरी स्पेशल टू अस, क्योंकि ये ना सिर्फ हमारे इक्विपमेंट्स द्वारा कैप्चर किया गया ह्यूमन हिस्ट्री का दूसरा ब्लैक होल था, बल्कि इसीलिए भी क्योंकि इसने हमें स्ट्रॉन्ग एंड कंक्रीट प्रूफ दिया ये मानने के लिए कि हम और हमारे वैज्ञानिक सालों से जो सोचा करते थे कि हर गैलेक्सी के सेंटर में एक ब्लैक होल होता है गैलेक्सी के सभी एलिमेंट्स को बाइंड करने के लिए, वो थियोरी भी कहीं ना कहीं इसी इमेज के आने के बाद ही रिलायबल बन गई थी। क्योंकि इतना तो हम सभी जानते ही हैं कि एवरीथिंग इज हाइपोथेसिस इन स्पेस साइंस अंटिल इट इज ऑब्जर्व्ड बाय एक्सपर्ट्स। हाउएवर इसके बारे में बीते कुछ समय में ज्यादा खबरें नहीं आ रही थी, क्योंकि स्पेस साइंटिस्ट और एस्ट्रोफिजिसिस्ट का फोकस बाकी के यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट्स को ढूंढने में और ऑब्जर्व करने में था, स्पेशली जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के इमेजेस को एनालाइज करने में। मगर रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ जो कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया गया था। देखो बात यह है कि ये सेंट्रल सुपरमैसिव ब्लैक होल बीते कुछ समय से पीरियोडिक इंटरवल्स पर कुछ सिग्नल्स रिलीज कर रहा है जिन्हें धरती पे भी कैप्चर किया जा रहा है। नाउ दिस इज अनयूजुअल, क्योंकि एक तरफ जहां हम हमेशा से ब्लैक होल को इतनी पावरफुल एंटिटी की तरह देखते हैं कि जिसकी ग्रेविटी को लाइट और यूनिवर्स की बाकी फोर्सेस भी नहीं एस्केप कर पाती, तो वहीं पर इनसे सिग्नल्स का रिलीज होना, वो भी इस तरह के स्पेसिफिक सिग्नल्स का, किसी ब्लैक होल के लिहाज से काफी स्ट्रेंज बिहेवियर है, एंड दैट्स व्हाट मेक्स दिस केस इंटरेस्टिंग। तो आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो इस सिग्नल के ब्लैक होल पे से रिलीज होने का कारण बन रही है? क्या ये ऑब्जर्वेशन हमें किसी ऐसे नए फोर्स से रूबरू करवाएगी जिसकी स्ट्रेंथ ब्लैक होल की ग्रेविटी से भी ज्यादा हो, या ये खोज हमें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्पीसीज का ठिकाना बता सकती है? पर आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों हमने अभी तक सजिटेरियस ए स्टार के ऊपर इस चैनल पे ऑलमोस्ट हर एक चीज के बारे में डिस्कस कर लिया है, मगर एक चीज जिसके बारे में हमने कभी भी गौर नहीं किया है वो है इस ब्लैक होल का एक्चुअल साइज। साल 2022 में जब सजिटेरियस ए स्टार की नई इमेजेस पब्लिकली रिवील की गई ना, तो इस बार ये इमेज पहले से ज्यादा साफ और डिटेल्स देने वाली थी। इस इमेज को इस स्टेज तक पहुंचाने के लिए इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस किए गए थे, जिसमें दुनिया भर के सैकड़ों एस्ट्रोनॉमर्स, इंजीनियर्स और कंप्यूटर साइंटिस्ट ने एल्गोरिदम्स डिजाइन करके इस इमेज की क्रिएशन को सक्सेसफुल बनाया था, जिसे जब स्टडी किया गया तो हमें सजिटेरियस की पूरी एनाटॉमी, बोले तो उसके साइज और लिमिट का कच्चा चिट्ठा मिल गया। नाउ एज पर दिस न्यू एंड रिफाइंड डेटा, इस ब्लैक होल का एक्चुअल साइज, जिसे ग्रेविटेशनल डायमीटर भी कहा जाता है, वो करीब 12 मिलियन किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। बट दैट्स नॉट इट, ये तो सिर्फ इस ब्लैक होल का खुद का साइज है, यानी कि वो इलाका जहां पहुंचने पर आप ब्लैक होल के अंदर कंसीडर किए जाएंगे। मगर ब्लैक होल की एक्चुअल स्ट्रेंथ तो उसकी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी होती है, और ये नया डाटा हमें उसका भी आइडिया दे देता है। देखो जिस एरिया में ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि लाइट उसे ना एस्केप कर पाए, उस एरिया को इवेंट होराइजन कहा जाता है। और जिस एरिया में किसी ब्लैक होल की एक्रीसन डिस्क फैली रहती है, बोले तो वो हिस्सा जिसे ग्लो करते हुए आप लोग ब्लैक होल की इमेजेस में बार बार देखते हैं, उस एरिया को एमिशन रिंग के नाम से जाना जाता है। अब ये रिंग एमिशन कहीं ना कहीं हमें ये आइडिया दे देता है कि ब्लैक होल अपने आसपास कितने बड़े एरिया तक में लाइट को अपनी ग्रेविटी से बेंड करने की काबिलियत रखता है। और इस नए डेटा ने हमें ये बताया कि हमारी गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद ये ब्लैक होल एक्चुअल में 63 मिलियन किलोमीटर के डायमीटर में फैली लाइट को बेंड करवा देती है, जो कि इसके एक्चुअल साइज से 4 गुना ज्यादा बड़ा इलाका है। नाउ दैट्स एवरीथिंग वी नो अबाउट दिस ब्लैक होल इन आवर हार्ट। लेकिन एक स्ट्रेंज चीज जो इस वक्त स्पेस कम्युनिटी में सबको परेशान कर रही है, वो है इसके पास से आने वाले रिकरिंग सिग्नल्स। अब देखो, जब से हमने इस ब्लैक होल को इंस्ट्रूमेंट से ऑब्जर्व करना शुरू किया है ना, हम ये देखते आए हैं कि इस ब्लैक होल के पास से कुछ सिग्नल्स या अनयूजुअल एक्टिविटीज रिकॉर्ड होती रहती है, जिसके सबसे प्राइम और फेमस एग्जांपल्स हमें साल 2017 और 2022 में मिले थे। पहले वाले की बात करें तो 15 नवंबर 2017 के दिन रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी में एक जर्नल पब्लिश हुआ था, जिसमें बताया गया था कि साल 2012 से ऐसे 39 इंसिडेंट्स चंद्रा ऑब्जर्वेटरी में रिकॉर्ड किए गए थे
जिसमें इस ब्लैक होल के पास से ऐसे एक्सरे फ्लेयर्स रिलीज हो रहे थे जो हर 149 मिनट्स में रिपीट हो रहा था। अब ऐसे ही जून 2023 में भी जब आईओपी साइंस के एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में एफ यूसेफ जादे और उनके साथियों का एक आर्टिकल पब्लिश हुआ तो उसमें भी उन्होंने सेजिटेरियस ए स्टार के पास्ट डेटा को अलग अलग वेवलेंथ में स्टडी करके ये डिस्कवर किया था कि बड़ी मात्रा में ढेर सारी मल्टीट्यूड गैसेस और रेज हमारे ब्लैक होल से बाहर की ओर निकल रही है। जी हाँ, ये लाइंस जो आपको इस इमेज में दिख रही है ना, ये गैस फिलामेंट्स ब्लैक होल के अंदर जा नहीं रही है बल्कि ब्लैक होल से बाहर की तरफ निकल रही थी। बट द क्वेश्चन शुड बी Why is it strange? Well, it is क्योंकि हमारा ब्लैक होल बाकी ब्लैक होल्स की तरह एक्टिव नहीं है। गलत साउंड कर गया। देखो, कहने का मतलब ये है कि हम जनरली जिन ब्लैक होल्स को आउटर स्पेस में ऑब्जर्व करते हैं ना, उनके कंपैरिजन में हमारा सेजिटेरियस ए स्टार बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। देखो, ना तो ये ढेर सारे प्लाज्मा रेज को रिलीज करता है और ना ही एक्सटेंसिव मटेरियल आउटर स्पेस में फेंकता है। मगर हाल ही में गुस्तावो मागालानेस गुइजॉन द्वारा पब्लिश किए गए एक रिसर्च पेपर में जिक्र किया गया ऐसे सिग्नल्स का जो हर 76 मिनट्स में इस ब्लैक होल से निकल रहा है। स्पेसिफिकली बात करें तो रिकॉर्ड किए गए सिग्नल्स गामा रे फ्लक्सेस है एंड देयर एक्सर्शन फ्रॉम दिस ब्लैक होल इज टेक्निकली इम्पॉसिबल। क्यों? वेल, इसीलिए क्योंकि ब्लैक होल किसी भी तरह की रेडिएशन एमिट नहीं करता। हाँ, ब्लैक होल्स हॉकिंग रेडिएशन रिलीज करता है जिसके बारे में हम अपने प्रीवियस वीडियोस में बता चुके हैं, मगर हमारी टेक्नोलॉजी अभी भी इतनी एडवांस नहीं है कि हम हॉकिंग रेडिएशन को डिटेक्ट कर पाए, जो कि क्वांटम लेवल पर होता है। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर ये ब्लैक होल गामा रे फ्लक्सेस नहीं रिलीज कर रहा है और इसका एरिया इतना बड़ा है कि ये एक साथ बहुत बड़े लेवल पे मैटर को अपने अंदर ले सकता है, जिसके बारे में हमने आपको अभी कुछ देर पहले ही रिंग एमिशन वाले आंकड़े में बताया था, तो आखिर इस गामा रेडिएशन का रीजन क्या है? और इसी मसले को सुलझाने के लिए अब हम उन सभी रिसर्च पेपर्स की बात करेंगे जिनका जिक्र इस वीडियो में हुआ है। देखो, गुस्तावो ने इस रिसर्च के लिए सारे एमिशन को कंसीडर किया और ये जानने की कोशिश की कि कहीं गामा रे फ्लक्सेस और बाकी के एमिशंस में कोई पैटर्न तो नहीं है। एंड फॉर दिस ही स्टार्टेड एनालाइजिंग ऑल द पब्लिकली अवेलेबल डेटा एंड लकीली उन्हें यहाँ पर एक पैटर्न मिल गया। उन्होंने देखा कि ये गामा रे फ्लक्सेस एवरेजली हर 76.32 मिनट में रिपीटेडली रिकॉर्ड हो रही थी। और अब अगर आप इसी को रेडियो एमिशन और एक्सरे फ्लेयर्स की पीरियोडिसिटी से कंपेयर करें तो आपको यहाँ पर एक पैटर्न मिलेगा। जहाँ गामा रे फ्लक्सेस और रेडियो एमिशंस ऑलमोस्ट सेम पीरियोडिसिटी शो कर रहे थे, वहीं पर एक्सरे फ्लेयर्स की पीरियोडिसिटी रेडियो और गामा रे की पीरियोडिसिटी से डबल है। गुस्तावो का मानना है कि ये महज एक कोइंसिडेंस नहीं है कि इन सभी एमिशन की पीरियोडिसिटी आइडेंटिकल है, बल्कि गुस्तावो का मानना है कि ये सारे एमिशंस आपस में हार्मोनिक हैं। नाउ देखो, एक ब्लैक होल के लिए ऐसा कौन सा फेनोमेना है जो रिपीटेड एमिशंस का कारण बन सकता है? इसको एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ एक ही सिचुएशन पॉसिबल है और वो है किसी चीज का ब्लैक होल को ऑर्बिट करना। और जब हम इसका जवाब ढूंढने निकलते हैं ना, तो हमें मिला साइंस अलर्ट में 2022 में छपने वाला ये आर्टिकल, जिसमें स्टेट किया गया है कि सेजिटेरियस ए स्टार के चारों तरफ इस वक्त एक हॉट गैसेस का ब्लॉब ट्रेवल कर रहा है विद ए ह्यूमंगस स्पीड यू कांट इवन गेस। इस आर्टिकल के हिसाब से इस ब्लॉब की ऑर्बिटल डिस्टेंस मर्करी और सूरज की ऑर्बिटल डिस्टेंस से काफी सिमिलर थी। बट द शॉकिंग पार्ट इज कि जहां मर्करी को सूरज को ऑर्बिट करने में 88 डेज लगते हैं ना, वहीं पर ये हॉट ब्लॉब मात्र 70 से 80 मिनट्स में ही ब्लैक होल का एक चक्कर काट लेता है, विच टेक्निकली मींस कि ये हॉट ब्लॉब लाइट की स्पीड के कंपैरेटिवली 30% ऑफ द नंबर से ऑर्बिट कर रहा है। अब इसके बारे में सबसे पहले एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स नाम के जर्नल में छापा गया था और तब से लेकर आज तक इस ब्लॉब ने लोगों को फैसिनेट करके रखा है। देखो, साल 2022 में पब्लिश होने वाली स्टडी के अकॉर्डिंग जब ये ब्लॉब इतनी तेज स्पीड में ट्रेवल करता है तो इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलती है, जिसे एक तरह से सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन भी कहा जा सकता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तभी निकलती है जब चार्ज्ड पार्टिकल्स अपनी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन को फेस करते हैं, और इसी कारण से ये सारा डेटा कंक्लूड करता है कि हर 70 से 80 मिनट में जब भी ये ब्लॉब वापस से अपीयर होता है तो इसकी रेडिएशन एमिट होकर हमारे द्वारा कैप्चर कर ली जाती है, लीडिंग टू रेडियो वेव्स एंड गामा रे फ्लक्सेस जिनको हमने रिकॉर्ड किया था। नाउ ये तो रेजोल्यूशन हो गया दो फैक्टर्स का,
बट एक्सरे फ्लेयर्स का क्या? इसके लिए ना गुस्तावो सजेस्ट करते हैं कि जब ये ब्लॉब बहुत ज्यादा एनर्जाइज हो जाता है और एक्सरे रेडिएशन को होल्ड नहीं कर पाता, तब ये अचानक से सारे स्टोर किए हुए फ्लेयर को आउटर स्पेस में रिलीज कर देता है और फिर कूल होने के बाद वापिस से एक ग्लो शो करने लगता है, रेफरिंग टू द फैक्ट दैट इट स्टार्ट स्टोरिंग द एक्सरे एनर्जी अगेन। तो उम्मीद है दोस्तों कि अब आपको पूरी तरह क्लियर हो गया होगा कि सेजिटेरियस ए स्टार के पास से वो मिस्टीरियस सिग्नल्स आखिर आ कहां से रहे थे। हाउएवर, जाते जाते अब आपको ये बताना है कि दुनिया की जो सबसे पहली ब्लैक होल इमेज थी वो कौन से ब्लैक होल की थी। आप सभी स्पेस लवर्स ने तो देखी होगी, तो चलिए देखते हैं कि आखिर किसको किसको याद है। नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहां पर अपने आंसर्स को लिखना और हाँ, गूगल से कॉपी करके मत लिख देना। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। अगर मिला तो इस वीडियो को लाइक करना, कंजूसी मत करना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको ये वाला वीडियो भी जरूर पसंद आएगा। और दोस्तों अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन ऐसा करने पर हमें काफी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए नए एपिसोड्स बनाने में। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।